कौमी असेंबली के 5 और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। लाहौर और फिरोजवाला के बाद नारोवाल में भी नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद के कारकुनान में झगड़ा। पीपी चबन पोलिंग स्टेशन राजा में मुखालिफ कारकुनों पर केमिकल स्प्रे, एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात। पुलिस पहुंच गई, पोलिंग का अमल रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान में कस्टम अहलकार वफारी की मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और तासीद का इजहार। कहा लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कच्चे को डाकुओं से पाक करने का मिशन। कनकोट पुलिस ने बदनामे जमाना डाकू सावल मोहम्मदानी को मार गिराया। हलाक मुलजिम कत्ल डकैती समेत संगीन जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस था। कच्चे के तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद, सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ने मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस खैबाने जानबाज में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। वाकये का मुकदमा दरख्शा थाने में दोस्त हमाम जावेद की मुदैयत में दर्ज। मुलजिम फाहद खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कत्ल और इकदाम कत्ल की दफा शामिल। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में जानबहक अफराद की तादाद 63 तक पहुंच गई है। पीडीएमए के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से 3202 मकानात को नुकसान पहुंचा है। 477 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए 110 मिलियन रुपये जारी कर दिए गए। और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दूसरे T20 मैच में कीवी बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप रही है। कौमी टीम को सिर्फ 91 रन का हदफ मिला। शाहीनों ने आसान हदफ 3 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 45 रन के साथ नुमाया रहे। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।